हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गोलू कुशवाहा, आप देख रहे हो टैग बास्केट। दोस्तों यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ, ध्यान से देखो इस पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कम व्यूज वाले यूट्यूबर ना बनना। क्यों नहीं बनना, इसका रीजन है मेरा 1 महीने का वॉच टाइम कितना आया दिखाऊंगा। दोस्तों दोस्तों इस समय पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा मेरे पास, सर मेरा वॉच टाइम नहीं आ रहा। दोस्तों जब आपके चैनल पर वॉच टाइम आता है ना, तो पहले व्यूज लाना पड़ता है। जब व्यूज आएगा तभी वॉच टाइम आएगा। जब आपके वीडियो पर व्यूज ही नहीं आएगा तो वॉच टाइम नहीं आ सकता है और वॉच टाइम पूरा नहीं होगा। दोस्तों इस समय पर क्या है कि यूट्यूब पर करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। अब आप लोग सोचो अगर कि मैं कुछ भी बना करके वीडियो अपलोड कर दूं तो हमारा व्यूज आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये एक रीजन है यूट्यूब का, क्योंकि YouTube अब ज्यादा ग्रोथ नहीं दे रहा किसी को भी। आप लोग देख रहे होंगे कि सभी के व्यूज इस समय पर डाउन चल रहा है। दोस्तों एक तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप नए यूट्यूबर और वॉच टाइम को कंप्लीट करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, स्किप बिल्कुल भी ना करना। और इस चैनल को अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। दोस्तों तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने सही कहा कि अगर आप नए यूट्यूबर हो तो आप यूट्यूबर ना बनना। आप लोग मेहनत नहीं करते हो, काम नहीं करते हो, सिर्फ आप चैनल पर जाकर के, बड़े बड़े चैनल पर जाकर के कमेंट करते हो, सर मेरी हेल्प कर दो, मेरा वॉच टाइम बढ़ा दो, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा दो। दोस्तों कोई कुछ करने वाला नहीं है, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने भी किया है खुद से ही, और मैं भी गया हूं सभी के चैनल पर मदद मांगने के लिए, लेकिन कोई भी मदद करने वाला नहीं है दोस्तों। या तो फिर आप ज्यादा परेशान हो तो आप पेड वॉच टाइम अब लोग देने लगे हैं तो वहां से जाकर के अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हो, लेकिन वहां से भी कोई आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। जब तक आपका रियल व्यू नहीं आएगा तब तक आपका रेवेन्यू नहीं बनेगा। चैनल मोनेटाइज करने से पैसा नहीं मिलता है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना कि आप पैसे देकर चैनल को मोनेटाइज करने की कोशिश करें। तो जो तरीका मैं बताने वाला हूं उस तरीके को अगर आप आजमा लेते हो, उस तरीके से अगर आप काम करते हो, तो आपका चैनल 100% 1 मंथ में मोनेटाइज हो जाएगा, आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इस वीडियो को आप यहां तक देखो, अगर वॉच टाइम कंप्लीट करना है तो आगे चलना मेरे साथ, पूरा वीडियो देखना। अगर नहीं करना है तो यहीं से छोड़ करके जा सकते हो दोस्तों, वो आपकी किस्मत। सिर्फ आपको फॉलो, आपको स्टेप बता सकता हूँ, फॉलो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो सीखने वाले मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहना लास्ट तक, जिनको अपना चैनल मोनेटाइज करना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर मेरा चैनल है और मैं अपने चैनल की रियलिटी दिखाऊंगा कि मेरे चैनल पर कौन सी दिक्कत आ रही है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखो ध्यान से, यहाँ पर रियल टाइम कितना आ रहा है, 8287, यानी कि ये रियल टाइम क्यों बढ़ा। दोस्तों मैंने काम किया तभी बढ़ा। यहाँ पे दिखाऊंगा अभी किस तरीके से डाउन चल रहा था। यहाँ पर देखो 8127, 60 मिनट में 182 व्यूवर्स आ रहे हैं, समझ रहे हो। ये कोई यूनिक व्यूवर, रियल व्यूवर, कैसे व्यूवर्स है वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो 28 दिन में 2000 का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आपको चाहिए 4000 घंटे का वॉच टाइम, मेरा 28 दिन में 2000 वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है। अगर आप मेहनत करोगे इस तरीके से तो आप 4000 का घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि टेक चैनल जो है, मेरा टेक कैटेगरी है, और टेक कैटेगरी में व्यूज बहुत कम आते हैं क्योंकि लोग सीखना नहीं चाहते, सिर्फ वो क्या करते हैं, आते हैं मदद मांगने के लिए, समझ रहे हो ना। इस वजह से टेक कैटेगरी के जितने भी चैनल होंगे वो आपको डाउन मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग काम कर रहे हो तो आप लोग का अदर चैनल होगा, आप लोगों का अलग कैटेगरी में होगा, तो आप लोग अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। बस तरीका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है जो मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखो ये व्यूज आया है, 85,000 आया है इस महीने में। यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर देखो सब्सक्राइबर भी 614 आया है। कंटेंट में जाएंगे और कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज दिखाते हैं। यहाँ देखो दोस्तों मेरे चैनल का इम्प्रेशन एकदम से डाउन है। यहाँ पर देखो, ये देखो इम्प्रेशन एरो एकदम से डाउन चल रहा है। और आपके चैनल का इम्प्रेशन कैसा है आप लोगों को YT स्टूडियो पर चेक कर लेना है। मेरा तो इम्प्रेशन डाउन चल रहा है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हो ये डाउन था, अभी मैंने काम करना शुरू किया, अब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट,
8.1%। आपको चेक करना है कि आपके पूरे चैनल का इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट कितना है। अगर इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट 4.0 के नीचे है तो समझ लेना कि आपके चैनल पर सीटीआर नहीं आ रहा है, लोग आपके वीडियो पर क्लिक नहीं कर रहे। तब आपको क्या करना है, आपको थंबनेल को चेंज कर देना है, थंबनेल बनाने के तरीकों को चेंज कर देना है, एडिटिंग अच्छे से करनी है, क्योंकि ये जो क्लिक थ्रू रेट होता है, ये सीटीआर क्लिक थ्रू रेट होता है, ये थंबनेल से आता है। तो आपको थंबनेल को पर काम करने की जरूरत है। अब हम ऑडियंस पे चले जाते हैं, और ऑडियंस पे जाने के बाद यहाँ पर देखो रिटर्निंग व्यूवर और न्यू व्यूवर। यहाँ पर देखो हमारे चैनल पर रिटर्निंग व्यूवर 3,743, यानी कि जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, वो लौट करके हमारे वीडियो पर आ रहे हैं। तो 3,000 लोग, हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं 3,400, उसमें से 3,743 लोग वापस आ रहे हैं, यानी कि उसमें से सारे हमारे सब्सक्राइबर ही वापस नहीं आ रहे हैं, इसमें से सारे न्यू व्यूवर आ रहे हैं, व्यूवर्स आ रहे हैं, नए नए व्यूवर्स लौट करके वीडियो को देखने, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है लेकिन उनको वीडियो पसंद आ रहा है, वो दोबारा दोबारा देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर न्यू व्यूवर देखो 54,000, यहाँ पर नए व्यूवर आए हुए हैं जो 54,000 लोगों ने देखा हुआ है वीडियो को। ये 28 दिन का है, इसी महीने का, इस महीने में 54,000 लोग आए हैं हमारे वीडियो को देखने के लिए, समझ रहे हो। इसके बाद टॉप कंटेंट ये नीचे की तरफ है। आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वॉच टाइम कैसे बढ़ा सकते हो। ये तो मैंने अपने चैनल का तरीका दिखाया सारा सब कुछ कि इस तरीके से चल रहा है। मेरे चैनल पर कितना वॉच टाइम बढ़ रहा है वो आप लोगों ने देख लिया कि 2,000 घंटे बढ़ रहा है 28 दिन में। अब आपको कैसे काम करना है ध्यान से समझ लो। अब आप ऑडियंस पे जैसे ही आओगे YT स्टूडियो पर, तो यहाँ नीचे की तरफ आपको जाना है और सिंपल सा यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि व्हाट्स योर ऑडियंस वॉचेस। यहाँ पर चेक करना है कि आपकी ऑडियंस क्या वॉच कर रही है, क्या देख रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जब इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो क्लिक किया तो यहाँ पर ये सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो या शॉर्ट वीडियो बनाते हो, तो यहाँ लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो वीडियोस पर जाना, और जितने भी लॉन्ग वीडियो होंगे ये आ जाएंगे, और इन्हीं टॉपिक पर, इन्हीं टाइटल पर आपको वीडियो बना देना है दोस्तों, समझ रहे हो। इन्हीं टॉपिक, इन्हीं टाइटल पर आप वीडियो बना दोगे तो आपके व्यूवर्स आने लगे, क्योंकि आपके चैनल को रिकमेंड कर रहा है यूट्यूब कि इन वीडियो पर आप काम करो। अगर इन वीडियो पर आप काम करते हो तो आप अच्छा खासा वॉच टाइम आ जाएगा आपके चैनल पर। तो आपको इस तरीके से काम करना है। अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो शॉर्ट वाले भी यहाँ पर वीडियो आ जाएंगे, और इन्हीं टॉपिक पर आपको शॉर्ट वीडियो भी क्रिएट करने हैं, समझ गए। इसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो दोस्तों यहाँ पर कहता है यूट्यूब कि आपकी ऑडियंस और आपका फॉर्मेट सेम होना चाहिए। कैसे होगा सेम, नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर देखो इन चैनल जो है, ये चैनल, इस चैनल पे आपको मतलब कि इन चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है। ये ऑडियंस आपकी जो है इन्हीं चैनल पर वीडियोस को देख रही है, तो इनके चैनल पर जब आप जा करके देखोगे कि ये किस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, और जिस टॉपिक पर ज्यादा व्यूज आया हो उसी टॉपिक पर आपको भी वीडियो बना देना है दोस्तों, ये काम तुरंत कर देना है, समझ रहे हो। ये तरीके हैं, और इन्हीं तरीकों को फॉलो करके आज मैंने अपना चैनल मोनेटाइज किया है, समझ रहे हो। इसके बाद ये देखो फॉर्मेट, दैट यहाँ पर फॉर्मेट दिखा रहा है व्यूअर वॉच ऑन यूट्यूब, यहाँ पर फॉर्मेट दिखा रहा है, इस पर हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ व्यूज पे जाएंगे नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ वीडियोस पर जाएंगे, और वही टॉपिक यहाँ पर देखो आपको मिल रहा है, और यही फॉर्मेट है, और वही ऑडियंस। ऑडियंस और फॉर्मेट अगर मैच करा दोगे तो आपके चैनल पर व्यूज अच्छा खासा आएगा, वीडियो रिकमेंडेशन में यूट्यूब भेजेगा, और आपके चैनल पर वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों दिखा देते हैं कि इस तरीके से मैंने जब काम किया तो मेरे चैनल पर देखो यूट्यूब ने रिकमेंडेशन में वीडियो को भेजना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पर ये देखो, ये मैंने कितने दिन पहले वीडियो डाला है, 19 जुलाई को ये वीडियो अपलोड हुआ था, आज कितनी जुलाई है, 23 जुलाई। और इस वीडियो पर मैं क्लिक करता हूँ परफॉर्मेंस पे, यहाँ पे देखो वीडियो परफॉर्मेंस पे क्लिक करता हूँ, और वीडियो परफॉर्मेंस क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो इस वीडियो से हमें 34 घंटे मिल चुके हैं, समझ रहे हो। 1,000 व्यूज आया है और 34 घंटे मिल चुके हैं, और ये वीडियो यहाँ पर देखो यूट्यूब ने रिकमेंडेशन में भेज दिया है। तो समझ रहे हो ना, इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो आपका भी वीडियो यूट्यूब रिकमेंडेशन में भेजना शुरू कर देगा।
तो दोस्तों जितनी बातें मैंने बताई अगर उन बातों को आप फॉलो कर लेते हो तो आपके चैनल पर 100% वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा और आपको समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। काम करने वालों को, मेहनत करने वाले के लिए कभी भी कोई भी काम कठिन नहीं होता है दोस्तों, उसको सफलता मिलती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लेना। दोस्तों फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना ख्याल रखें।